हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं अभी बेकरी में खड़ी हूँ। मैंने एक सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी अरेंज की है अपने छोटे भाई के लिए। उसकी बर्थडे 25 जुलाई को होती है। तो जैसे कि आप सब लोगों ने वीडियो भी देखा है और मुझे कमेंट्स में भी गेट वेल सून लिखे हैं मैसेजेस कई लोगों ने, थैंक यू सो मच फॉर दैट। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं हॉस्पिटल में थी कुछ दिन। अभी जैसे ही बाहर आई तो क्योंकि मेरे जहन में ही नहीं रहा बर्थडे का उसके, लेकिन मुझे याद तो है डेट उसकी ऑफ कोर्स कि 25th को उसकी बर्थडे होती है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, तबीयत अभी थोड़ी बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने कहा चलो एक बर्थडे ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने केक जो है वो ऑर्डर कर लिया है, फ्रूट केक लिया है हमने 4 किलो वाला। अभी आपको दिखाती हूँ मैं। तो ये अभी वो पैक कर रहा है, उसका नाम हमने लिखवा दिया है, हैप्पी बर्थडे भी लिखवा लिया है ऊपर। तो अभी हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह। उसको सिर्फ यही बताया कि हम लोग खाना खाने जा रहे हैं क्योंकि मुझसे पक नहीं रहा है, मैं घर पे नहीं पका सकती। तो इसी तरह ये देखिए कि कितना खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसी तरह मेरे भाई को लंबी उम्र दे अल्लाह ताला इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। तो आप लोग भी दुआ कीजिए, आप लोग भी विश कीजिए उसे इंशाल्लाह। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी केक रेडी है हमारा। हम लोगों ने उसे बताया नहीं है, मैं एक्चुअली ड्राइव नहीं कर पा रही थी, तो एक फ्रेंड से कहा था कि हमें लेके जाए वहाँ पे। तो वो हमें लेके आई थी यहाँ पे, उनको बोला कि सिर्फ हमें पिक एंड ड्रॉप कर लीजिए आप, बस रास्ते में ये चीज़ लेनी है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा छोटा भाई, क्यूट सा प्यारा सा। उसकी बर्थडे का नहीं बताया हमने, सरप्राइज़ रखा है। उसे सिर्फ यही कहा है कि हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी वो ऑर्डर कर रहा है खाना। हमने कहा जो भी तुम्हारा दिल कर रहा है तुम ऑर्डर कर लो, क्योंकि मैं घर पे नहीं पका सकती आज। उसको सिर्फ यही बहाना लगा के हम लोग लेके आए हैं। तो बैठा हुआ अभी वो देख रहा है, उसको जो भी पसंद है वो ऑर्डर कर रहा है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, बड़ा ही मज़ेदार वीडियो, आपको बहुत पसंद आएगा। और आप भी इसी तरह अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए या अपने बहन भाइयों के लिए, जो भी करीबी रिश्तेदार हैं उनके लिए ऐसे ही सरप्राइज़ पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं वेटर ने पूरा ऑर्डर ले लिया हमारा और ये आ गया हमारा खाना। हमें एक्चुअली बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, हम लोगों ने सुबह थोड़ा सा नाश्ता किया था। मेरी तो तबीयत ख़राब थी इस वजह से मैं इतना ज़्यादा खा नहीं पा रही थी। भाई ने भी उसी हिसाब से ही खाया, थोड़ा सा खाया उसने। और जब हमने अपनी फ्रेंड को बोला कि हमें लेके जाना है, वो भी बेचारी हमारे यहाँ साथ आई, तो हमने उनको भी कहा कि सेलिब्रेशन का हिस्सा बन जाए। तो हम सब ने मिल के ऑर्डर किया ये खाना। आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी खाना है यहाँ का, इस जगह का। तो अभी हम लोगों ने केक जो है वो छुपा के रखा हुआ है टेबल के नीचे, उसको दिखाया नहीं है। तो उसको सिर्फ यही बोल रहे हैं कि आप खाना खा लें, जो भी दिल कर रहा है वो ऑर्डर कर लो आज, तुम्हारा स्पेशल डे है। लेकिन उसको ये नहीं बताया कि हम लोग सेलिब्रेशन करने वाले हैं। तो अभी हम लोग खाना खाते हैं, मीनवाइल आप लोग जो है वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। फिर आगे मैं बताती हूँ कि किस तरह हमने केक कटिंग की और सेलिब्रेशन की। इस वीडियो में मैंने ज़्यादा फोकस जो है अपने भाई के ऊपर ही रखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो व्लॉग है मैंने स्पेशली अपने भाई के लिए बनाया है, क्योंकि ये उसका स्पेशल डे था। तो हम लोगों ने जैसे ही सेलिब्रेट किया, वो मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। फ़िलहाल हम लोगों को भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे थे, तो हमने बिस्मिल्लाह करके खाना शुरू किया। खाना खाने के बाद फिर हम लोगों ने जो सेलिब्रेट किया है, तो उसमें तकरीबन 1-2 घंटा हमें वहीं पे लग गया। हम लोग वहीं पे बैठे सेलिब्रेट कर रहे थे। अपने फ्रेंड को भी हम लोगों ने इनवाइट किया, जो वो वेटर था उसको भी हमने केक दिया जो सर्व कर रहे थे। बाकी जो वहाँ के रेस्टोरेंट के लोग थे, जो फ्रेंड्स आए हुए थे, उनको हम लोगों ने केक डिस्ट्रीब्यूट किया। ये छोटी सी कोशिश मैंने की सरप्राइज़ देने की अपने भाई को। आई होप कि उसको पसंद आई होगी, और आई होप कि आप लोगों को ये आइडिया अच्छा लगा होगा कि किस तरह आप अपने जो रिश्तेदार हैं या अपने मतलब जो आपके करीबी दोस्त वगैरह हैं या घर वाले हैं, उनको आप सरप्राइज़ कर सकते हैं। तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए कभी आपने इस तरह सेलिब्रेट की है बर्थडे, तो शेयर कीजिए। हाँ जी फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने बहुत ही खूबसूरत सा बॉक्स रखा है अपने भाई के सामने, और उसकी हंसी से, उसकी स्माइल से आपको पता चल गया होगा कि कितना खुश हो रहा है वो ये देखकर। क्योंकि हमने जैसे प्लान किया था उसी प्लान के हिसाब से, उसी प्लान के मुताबिक हमारा सब काम हो गया आज। और ये बॉक्स अभी हम खोलने वाले हैं। उसको पता नहीं है कि अंदर किस किस्म का केक है, उसको चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है। बट इस दफ़ा हमने चॉकलेट केक ऑर्डर नहीं किया था, हमने फ्रूट केक ऑर्डर किया था क्योंकि सबकी वही पसंद थी।
और सेकंड जो पसंद आया था चॉकलेट केक वो एक्चुअली रिजर्व था ऑलरेडी किसी के लिए, और सेकंड ऑर्डर मैं करना नहीं चाह रही थी क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था। प्रॉब्लम ये हुई क्योंकि मैं हॉस्पिटल में थी तो ये प्री ऑर्डर बुकिंग नहीं हुई किसी भी चीज़ की। हम लोगों ने लास्ट मिनट सारा प्लान करके सारा ऑर्गेनाइज किया क्योंकि बेकरी में जाके उनसे ख़रीदा उसी टाइम लास्ट मिनट जैसे मैंने अभी कहा। और अगर मैं मतलब पहले कॉल कर दी थी तो वो प्रिपेयर कर सकते थे सब, बट देन जो चॉकलेट केक था वो ऑलरेडी किसी ने ऑर्डर कर लिया था तो इसलिए हम लोग वो बाई नहीं कर पाए। जो सेकंड था वो ऑलरेडी किसी ने सेलेक्ट कर लिया था तो इसलिए वो पड़ा उसमें, देख रही थी मैं। एंड जैसे ही मैंने उसे बोला कि दूसरा वाला कर दो चॉकलेट केक, तो कहता नहीं वो ऑलरेडी वो लेडी जो है उन्होंने ले लिया है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं है, आज हम लोग फ्रूट केक ही लेते हैं। तो इतना ज़बरदस्त इतना टेस्टी सा ये फ्रूट केक हमने अपने छोटे भाई की बर्थडे के लिए किया, और जैसे कि आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल सा चॉकलेट केक तो नहीं आया आज, लेकिन फ्रूट केक आया है उसके लिए। एंड हम लोग अभी हैप्पी बर्थडे गाएंगे उसके लिए। Wait, we'll give you the cake. No, take it, bhaiya. And thank you so much. You're welcome. Say happy birthday one more time. Happy birthday. Loud, little bit so I can make a video. Enjoy your day. Thank you. हमने केक की डिस्ट्रीब्यूशन की उन लोगों में जो हमारी इस सेलिब्रेशन इस खुशी का हिस्सा बने। काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने आके भाई को विश भी किया, तो हम लोगों ने उनको भी केक दिया और उसके बाद ख़ुद अभी खा रहे हैं। और केक इतना यमी, इतना डिलीशियस, इतना मज़ेदार है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग भी ये फ्रूट केक। अगर आप खाते हैं और आपको पसंद है फ्रूट्स और मीठा तो ये जो केक है ज़रूर खाइएगा, ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आप लोगों ने कभी ऐसी सेलिब्रेशंस की हैं तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोग बर्थडेज पे कैसे बर्थडे मनाते हैं। आपके मैसेजेस का इंतज़ार रहेगा। हाँ जी दोस्तों, जैसे कि आपने देखा है कि हमने बड़ी धूमधाम से बड़े ही प्यार से बर्थडे सेलिब्रेट कर ली है ऑलरेडी। अभी हम लोग जो हैं आराम से बैठे हुए हैं कुछ देर के लिए, जितनी देर में हमारी फ्रेंड जो है वो कार लेके आएंगी, क्योंकि वो कार पार्क में थी तो हम लोग वॉक नहीं करना चाह रहे थे मेरी तबीयत को मद्देनज़र रखते हुए। तो हमने कहा जितनी देर आप गाड़ी लेके आती हैं हम लोग बैठ के थोड़ा व्लॉग बना लेते हैं, प्यार मोहब्बत वाली बहन भाई जो है बात कर लेते हैं। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं बर्थडेज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कभी आपने इस तरह सरप्राइज़ दिया है अपने बच्चों को या अपने बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।